राजस्थान में छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र प्रतिनिधि लगातार सरकार से चुनाव करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल छात्रों का साथ देते नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार युवाओं और शोषित वर्ग की आवाज़ उठाते आए हैं। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पायलट पर पूछा गया एक प्रश्न पर बताया, बड़ी बड़ी बात करी, मैं आज सीएम बन के आ रहा हूँ, अपने लोगों का मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ, किसी का ना हो कॉफी सीएम हाउस देंगे अपने साथ, ना कॉफी पी ली क्या सीएम हाउस करके बताओ मुझे। तो ऐसा करते कभी उन्होंने अपनी मतिया मेहनत करा ली। अगर वो निकल के आ जाते पार्टी से 6 दिन पहले तो RLP और वो मिला के 100 सीट राजस्थान में लेते। लेकिन देखो ये समय कि मैंने कभी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की थी। बेनीवाल ने कहा कि जब सरकार गिर रही थी मैं मानेसर में तो नहीं था। मेरी पार्टी के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ अशोक गहलोत के खिलाफ वोट करने वाले थे जब सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे। उस वक्त राज्यसभा का चुनाव में भी उनकी मदद की थी। टोंक के चुनाव के वक्त भी मैं प्रचार करने जाने वाला था, उनका मेरे पास फ़ोन आया, फिर मैं वहाँ उनके खिलाफ प्रचार करने नहीं गया। मैंने उनकी 4 बार मदद की फिर भी वह मुखर नहीं हुए। मैं उनका इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं अकेला ही इस सफ़र पर निकल गया हूँ। वैसे भी राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में न अशोक गहलोत, न ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, न ही सचिन पायलट कहीं नज़र आएंगे।